मेवात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकरा कर पुल पर अधर में लटका ट्रेलर बड़ा हादसा होने से टला। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मेवात के नगीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव उमरी के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के दौरान ट्रेलर पुल पर अधर में लटक गया। इस दौरान हादसे में चालक और परिचालक को चोट कोई नहीं आई। मौके पर पहुंचे NHSI अधिकारी पहुंचे और घटना की जानकारी में जुट गए। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुब्बन निवासी रिठट सोमवार सुबह पलवल से अपनी ट्रेलर गाड़ी को लेकर फिरोजपुर झिरका जा रहा था। जब वह गांव उमरी के समीप पहुंचे, अंडर बाईपास पहुंचा तो उसी दौरान सामने से चल रहे एक अज्ञात वाहन चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। सामने से चल रही गाड़ी को बचाने के चक्कर में उन्होंने भी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी ने पहले लोहे के डिवाइडर को तोड़कर उसके बाद पुल से जा टकराई। पूरी गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। उसके साथ ही डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पुल से झूल गई। गनीमत यह रही कि ट्रेलर पुल से नीचे नहीं गिरा। अगर पुल से नीचे गिरता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि कुछ दिनों पहले रॉयल्स रॉयस गाड़ी के सड़क हादसे को अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं। उसके बाद मर्सिडीज लग्जरी कार ने दूध के टैंकर को टक्कर मारी थी, जिसके कुछ दिन बाद एक तेज रफ्तार की वजह से डिवाइडर से टकराई और ड्राइवर व उसके पुत्र की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग गंभीर हो गए थे। सवाल लाख टके का यह है कि दुनिया के बेहतरीन राजमार्गों में शामिल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बार बार रफ्तार की वजह से हादसे हो रहे हैं और इन हादसों में NHSI अब गंभीर होगा और कब गंभीर होगा, हादसों पर रोक लगेगी या नहीं। लेकिन लगातार हो रहे हादसों की वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन दिनों पूरी तरह चर्चाओं में बना हुआ है। खास बात यह है कि मेवात में जितने भी सड़क हादसे हुए हैं, अधिकतर 5 किलोमीटर के दायरे में ये सड़क हादसे हुए हैं। ओ चने हेलो, यही रिठट गाँव के पास ही जब डिवाइडर में बहुत तेज आ ठुके, मतलब ड्राइवर नींदन में हो, नींदन में वहाँ सुनना पड़ा, पर ऊपर से वो नया बस गिरो और वो कार गया, सब कुछ नीचे गिर चुका और पूरी तरियाम से टूट चुके ही रिठट गाँव के पास। और Thank you.